क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिलेशन ऑफ बोरासिटी और वाइड रेशियो इनके रिलेशन पे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ इनके रिलेशन पे पूछेंगे इनके रिलेशन को यूज करके आगे भी कई सारे हम इंटर रिलेशनशिप देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के तो वहां पे भी ये टर्म यूजफुल होता है और ये टर्म सिर्फ आपके फर्स्ट चैप्टर में यूजफुल नहीं है पूरे सॉइल मैकेनिक्स में आपका यूज आएगा लास्ट लास्ट तक ये तो इस फॉर्मुलिस को ध्यान रखना जो भी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं और ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में ये सारे रिलेशन ये सारे प्रॉपर्टीज आपके यूजफुल होने वाले हैं आगे तक ठीक है चलिए तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे सो so क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं हम लोग सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका इफ पोरसिटी ऑफ सॉइल इज इफ पोरसिटी ऑफ सॉइल इज ट्वेंटी परसेंट देन

डिवाइडेड बाय वन माइनस पॉइंट टू वैल्यू क्या आएगी ये पॉइंट टू डिवाइडेड बाय पॉइंट एट सो ये जो भी वैल्यू आ रही है फाइंड कीजिए वैल्यू कितनी आएगी ये वैल्यू कितनी आएगी सो so ये वैल्यू आएगी वन बाई फोर दैट मीनस पॉइंट टू फाइव इक्वल टू आप ट्वेंटी फाइव परसेंट बोल सकते हो या पॉइंट टू फाइव बोल सकते दैट इज दर्ड रेशियो एज सिंपल एज दैट बहुत ही सिंपल था तो इसी तरीके से आपको रिलेट करके पूछ लेंगे अब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था वन मार्क्स में पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में बट अगर इसी से थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे अभी जो बाकी आगे मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं ना उन सबको कंबाइन करके उन सबको रिलेट करके आप एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग वैसे क्वेश्चन को भी देखेंगे ठीक है चलिए तो तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारा है एंड दैट फोर्थ प्रॉपर्टी इज फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो देखते हैं यह डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन चलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हो जनरली आप कैपिटल एस से सो so ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइट ध्यान देंगे इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं ये पॉइंट को सो so यहां पे मैंने क्या बोला इट इज रेशियो ऑफ इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। याद रखना है हमेशा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होगा ये सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है सो so, अगर आपसे मिस्टेक यहां पे होता है पढ़ने के टाइम पे तो कोई इशू नहीं है एग्जाम टाइम पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए और मिस्टेक का एक खास नेचर होता है अगर गलती आपने पहले कर ली तो एग्जाम में नहीं होगा और अगर यहाँ नहीं की तो एग्जाम में तो डेफिनेटली होना है ठीक है तो चूज कर लो आप क्या करना है सो इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स तो अब हमेशा याद रहेगा आपको कि यहाँ पे वर्ड्स लिख के कट किया मैंने और फिर वाटर लिखा सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स So, ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का चलिए इसे लिख लेते हैं कैसे लिखेंगे एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सो इसे ऐसा लिख सकते हैं वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी वी ये हमारा रिलेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स चलिए अब इसको देखते हैं इसकी लिमिट क्या हो सकती है इसकी लिमिट क्या हो सकती है चेक करेंगे हम लोग यहां की वैल्यू जीरोबल है या फिर नहीं है एस की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या इज इट पॉसिबल टू गेट द एस वैल्यू जीरो चलिए एस की वैल्यू जीरो हो हो होने का मतलब क्या एस की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हो ये जीरो हो जाए आपका क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है वाटर की वॉल्यूम जीरो होगी कब हो सकती है जब कंप्लीटली ड्राई स्टेट में हो जब कंप्लीटली ड्राई स्टेट में हो और टू फेज रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था ड्राई स्टेट में होगा फुली ड्राइड कंडीशन में तो वाटर वहां प्रेजेंट ही नहीं होगी तो जब वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम भी नहीं होगा उसका वेट भी नहीं होगा सो ये टर्म आपका करेक्ट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है ये वैल्यू जीरो हो सकती है चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं एस की वैल्यू वन हो सकती है क्या एस की वैल्यू वन हो सकती है क्या देखते हैं सो so, एस की वैल्यू वन होने का मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो जाए अभी मैंने आपको बोला बिल्कुल पॉसिबल है जब फुली ड्राइड कंडीशन में जीरो है तो फुली सैचुरेटेड केस भी तो हो सकता है फुली सैचुरेटेड केस में आपका एयर है ही नहीं तो वाइड्स जो भी होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स ये वाइड्स में वाटर मॉलिकूल सिर्फ फिल्ड होंगे सो इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इक्वल हो सकता है सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं एस की वैल्यू वन से ग्रेटर हो सकती है क्या चलिए वन से ग्रेटर होने का मतलब क्या होगा वन से ग्रेटर होने का मतलब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या ये पॉसिबल है क्या यह पॉसिबल है नॉट पॉसिबल क्यों क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ वाइट से दैट मीन मेरी ये वी VA ए की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना एट मिनिमम एट लिस्ट वो जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अगर ये जीरो होता है तो भी ये दोनों इक्वल होंगे वीडब्ल्यू ग्रेटर नहीं हो सकता मतलब आप ऐसा समझ लो कि वी डब्ल्यू वी वी का एक पार्ट है तो जब उसका पार्ट है तो एटमैक्स उसके इक्वल हो सकता है यार उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा सो थर्ड स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है थर्ड स्टेटमेंट थर्ड केस पॉसिबल नहीं है सो so, इस बेसिस पे इसके लिमिट में क्या लिख सकता हूं इसके लिमिट में क्या लिख सकता हूं सो so, इसके लिमिट आप ऐसे लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जीरो भी हो सकता है उससे ग्रेटर भी हो सकता है लेस देन इक्वल टू वन या तो इक्वल टू वन हो जाएगा या फिर उससे लेस रहेगा उससे ग्रेटर नहीं हो सकता सो दिस इज द लिमिट फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो अभी तक हमने वाटर कंटेंट की दो लिमिट देखी वाइड रेशियो देखी प्रोसिटी देखी डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखी आप सोचो इतने सारे याद कर पाओगे क्या कंफ्यूजन होगा लेकिन जो मैंने ट्रिक बताया आप उससे चेक करो आप सारे के खुद से फ्रेम कर सकते हो सबके खुद से आप फ्रेम कर सकते हो कि क्या लिमिट आएगा सो so, वो आपको ट्रिक यूज करना है वो ट्रिक यूज़ करोगे थर्टी सेकंड ज़्यादा टाइम लग जाएगा या थर्टी सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा बट एक्यूरेटली आप सॉल्व तो कर पाओगे आप तीस सेकंड बचाने के चक्कर में ऐसी कुछ टिक मार के आ गए तो जो नंबर मिलना था वो तो नहीं मिला प्लस जो आपके पास पहले से दस पाँच नंबर रखे थे वो भी चले जाएंगे और फिर हाथ में आ जाएंगे एक या दो मार्क्स ठीक है तो ऐसा तो करना नहीं है हमें चलिए सो so, ये कंडीशन होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए चलिए एक बात बताओ डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका यह बताता है कि वाटर की क्वांटिटी वाटर कितने परसेंटेज में कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है सो so स्वाइल की डिफरेंट स्टेट को स्वाइल के डिफरेंट कंडीशन को यह एक्सप्लेन कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वाटर अवेलेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वाटर अवेलेबिलिटी चलिए तो देखते हैं एक ग्राफ बनाता हूं इसका पहले फिर ध्यान से देखेंगे आप इसे सो so, इस ग्राफ पे अगर मैं वैल्यू प्लॉट करना चाहूं इस ग्राफ पे अगर मैं वैल्यू प्लॉट करना चाहूं सो so, एक्सिस के इक्वल अगर हो एक्स एक्सिस के इक्वल अगर मैं लाइन बोल दूं कि इसके जस्ट इसी को लाइन को क्वानसाइड कर रहा है सो दैट मीन्स यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू इस कंडीशन में इस लाइन पे एस की वैल्यू जीरो होगी तो जब एस की वैल्यू जीरो होती है इसे आप क्या बोलते हो ड्राई कंडीशन में है इसे आप क्या बोलते हो सॉइल आपका जो है वो ड्राई कंडीशन में है सेकंड लिमिट आती है आपकी सेकंड लिमिट आती है पॉइंट टू फाइव की सेकंड लिमिट आती है पॉइंट टू फाइव की थर्ड लिमिट जो होता है वो होता है पॉइंट फाइव का पॉइंट फाइव इसके ऊपर आप चले जाओगे पॉइंट सेवन फाइव सो so, जीरो पे ड्राई है जीरो से जीरो पॉइंट टू फाइव के बीच में जो कंडीशन होगा इस कंडीशन में इतने वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ के क्या बोलोगे इट इज नोन एज ह्यूमिड ह्यूमिड कंडीशन में है आपका सो दिस इज ह्यूमिड सिमिलरली पॉइंट टू फाइव से पॉइंट फाइव के बीच में है फिर आप क्या बोलोगे देन इट इज डैम्प फिर इसे बोलते हैं डैम्प कंडीशन में है पॉइंट फाइव से पॉइंट सेवन फाइव के बीच में हो तो तब आप इसे बोलोगे मॉइस्ट कंडीशन में है और पॉइंट सेवन फाइव से ग्रेटर हो तब आप इसे बोलते हो कि बोला आप डिफरेंट कंडीशन डिटरमाइन कर सकते हो सॉइल आपके किस कंडीशन में प्रेजेंट है आपके किस कंडीशन में प्रेजेंट है इस वैल्यू के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो उस वैल्यूज को हमें याद रखना होगा किस कंडीशन में ह्यूमिड है किस में डैम्प है कहाँ मॉइस्ट है कहाँ पे वेट या फिर सैचुरेशन लेवल पे है या फिर सैचुरेटेड कंडीशन में है सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन का आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है चलिए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विल सॉल्व विल ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन ओवर डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से यूज होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं और किस तरीके से वो पूछ सकते हैं आपसे तो एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया कि डायरेक्टली किसी भी प्रॉपर्टी पे जैसे अभी हमने और वॉइडिटी वाला क्वेश्चन देखा अब एक दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे जहां पे आपकी प्रोसिटी भी कंबाइंड होगी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी कंबाइंड होगा तो जब दो चीजें कंबाइंड होती हैं फिर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी भी थर्ड पैरामीटर को सो विल सी दैट सो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे पोरसिटी ऑफ सॉइल जो है वो गिवेन है क्वेश्चन इज पोरसिटी ऑफ सॉइल इज गिवेन एज पोरसिटी ऑफ सॉइल इज गिवेन एज पॉइंट सेवन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज गिवेन एज फोर्टी परसेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज गिवन एज फोर्टी परसेंट क्वेश्चन है आपका हंड्रेड मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हंड्रेड मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हंड्रेड मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल इसमें कितने मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एयर होगा एयर की वॉल्यूम क्या है ये आपको फाइंड करनी है एयर की वॉल्यूम आपको क्या होगी ये फाइंड करनी है किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं देखते हैं सो वॉल्यूम ऑफ एयर ये हमें फाइंड करना है कैसे फाइंड कर सकते हैं चले देखते हैं एक बात बताओ मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर आप कैसे फाइंड कर सकते हो मैंने कोई फॉर्मूला बताया अभी तक वॉल्यूम ऑफ एयर का जब नहीं बताया तो फिर फाइंड कैसे करोगे चलिए देखते हैं क्या अवेलेबल आइटम्स है मेरे पास और उसको को रिलेट करेंगे है क्या क्वेश्चन में चलिए पोरसिटी की वैल्यू गिवन है सॉल्यूशन ईटा की वैल्यू गिवन है पॉइंट सेवन एस की वैल्यू गिवन है पॉइंट फोर चलिए हंड्रेड मीटर की वह वॉल्यूम ऑफ सॉइल है एक बात मुझे बताओ

दैट मींस अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे मिल जाए तो मैं फाइंड कर सकता हूं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमने फाइंड कर लिएवेंटी मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉटर अगर मैंने फाइंड कर लिया तो मैं बता सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मुला यूज करो सो एस इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स एस की वैल्यू कितनी गिवन है एस की वैल्यू कितनी गिवन है पॉइंट फोर सो पॉइंट फोर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम नहीं फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वर्ड अभी हमने निकाला सेवन सो so यहां से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो सो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा सो दिस विल बी मीटर क्यूब चलिए वाइड के सेवेंटी मीटर क्यूब में से ट्वेंटी एट मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो फाइंड कर लो ना वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आएगा सो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से वॉल्यूम ऑफ वर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर तो वॉल्यूम ऑफ वाइट का वैल्यू लिखो सेवेंटी वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वैल्यू चेक कीजिए इट विल बी फोर्टी टू सो फॉर्टी टू मीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर सो इन हंड्रेड मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ एयर आपका फोर्टी टू मीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्वेंटी एट मीटर क्यूब है तो रिमेनिंग थर्टी मीटर क्यूब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रिमेनिंग थर्टी मीटर क्यूब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स सो so, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं तो यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन और पोरोसिटी दोनों का यूज करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज को अभी तक मैंने दो कंबाइंड किया तीन चार पांच प्रॉपर्टीज को कंबाइंड करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सो दे मे मेक क्वेश्चन ऑफ एनी टाइप बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकता है यार पांच दस बीस नहीं एन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं इस प्रॉपर्टी से तो इस प्रॉपर्टीज को काफी ध्यान से हमें पढ़ना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है चलिए सो दैट वॉज द फोर्थ प्रॉपर्टी डिग्री ऑफ सैचुरेशन फिफ्थ वन हम लोग देखते हैं सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट क्या है ये एयर कंटेंट डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस अच्छा खासा करना है नॉट न्यूमेरिकल नॉट थ्योरेटिकल बोथ ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़े जा रहे हैं न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे और थ्योरी पढ़े ही नहीं तो आपके पास दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए एग्जाम तभी क्वालिफाई होगा चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं दैट इज एयर कंटेंट सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट एयर कंटेंट को आप ए डॉट सी से रिप्रेजेंट करो सिंपल शॉर्ट फॉर्म ए डॉट सी चलिए है क्या एयर कंटेंट ध्यान से सुनिएगा इसका डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ इज़ नोन एज एयर कंटेंट तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसका देखते हैं क्या यूज है सो इट इज रेशियो ऑफ इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो इसे फाइनली हम लोग ऐसा लिखेंगे ए डॉट सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सो इट कैन बी रिटर्न एज वी ए डिवाइडेड बाय वी वी सो so ये आपका एयर कंटेंट का वैल्यू हो गया दिस इज एयर कंटेंट चलिए अब इसके लिमिट चेक करेंगे डिफरेंट लिमिट्स क्या हो सकता है अभी तक में आप लोगों ने खुद से भी सीख लिया होगा जो मैंने ट्रिक बताए चार पांच मैंने दिखा रखे तो आप लोग क्या करोगे खुद से इसे सॉल्व करो लास्ट में मैच करा लेना वीडियो सॉल्यूशन से ठीक है तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी चलिए देखते हैं वैल्यू एयर कंटेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या जीरो होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है क्या बिल्कुल पॉसिबल है सैचुरेटेड केस में आपका एयर ही नहीं रहेगा तो एयर की वॉल्यूम क्या होगी वो भी जीरो हो जाएगी सो दिस कंडीशन इज पॉसिबल सेकेंड चेक करते हैं एयर कंटेंट की वैल्यू जो है इक्वल टू वन हो सकता है क्या इक्वल टू वन होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाइट सेम है इज इट पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ एयर और कंप्लीटली कंप्लीटली ड्राई ड्राई केस केस में में चले जाओ वाटर नहीं रहेगा तो जो भी वाइड्स है उस सारे में एयर मॉलिक्यूल्स ही होंगे सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल थर्ड एंड लास्ट कंडीशन एयर कंटेंट की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो सकती है क्या एयर कंटेंट की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो सकती है क्या चले ग्रेटर देन वन होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर आपका ग्रेटर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाइट से पॉसिबल है क्या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वॉल्यूम 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 ऑफ 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 में एयर और वाटर दोनों कंबाइंड होते हैं तो अगर आप बोल रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ एयर ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ वाइट से दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ वाटर नेगेटिव हो जाएगा जो अभी हमने प्रीवियस केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन में देखा था और पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम जीरो हो सकता है सो so, वॉल्यूम ऑफ एयर पार्ट है वॉल्यूम ऑफ वर्ड का तो उसके इक्वल हो सकता है मैक्सिमम बट उसको एक्सीड नहीं कर सकता है सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सो बेस्ट ऑन थ्री स्टेटमेंट हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं बेस्ट ऑन दिस थ्री स्टेटमेंट हम लोग फाइनली यहां पे इसकी लिमिट लिखेंगे और इसकी लिमिट एज इट इज सेम होगा बिल्कुल डिग्री ऑफ सैचुएशन के जैसा जीरो से ग्रेटर या इक्वल टू हो सकता है ये वैल्यू फर्दर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन हो सकता है इक्वल टू वन होगा या लेस देन वन होगा बट उससे ग्रेटर नहीं होगा सो so, इसकी वैल्यू इसकी लिमिट और डिग्री ऑफ सेचुएशन की लिमिट सेम रहती है एज इट इज एकदम कॉपी जीरोक्स कॉपी दोनों की है दोनों एकदम सिमिलर है बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है इनकी लिमिट में चलिए तो अब जब इतनी सिमिलैरिटी है तो कुछ और सिमिलैरिटी ढूंढते हैं इनके बीच में ये क्या है रेशियो है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का तो मैंने एसी का क्या लिखा यहाँ पे ए सी इक्वल टू लिख दिया मैंने वी ए बाई वी वी सिमिलरली डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिखो क्या था वीडबू बाई वी वी ठीक है दोनों को एक बार ऐड करके देखते हैं दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या होता है चलिए तो मैंने अगर लिखा ए सी प्लस एस मैंने कर दिया तो क्या आएगा इसका मतलब ऐड कर दो वी ए बाई वी वी प्लस वी डब्ल्यू बाई वी वी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सो ऊपर में टर्म आ जाएगा वी ए प्लस डिवाइडेड बाई वी वी अच्छा वी ए प्लस वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या देता है आपका वॉल्यूम ऑफ देगा वाइडी प्लस एस कैन बी रिटर्न इक्वल टू वन सो ये इनके बीच का फाइनल रिलेशन है एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू वन होगा वैल्यू सो so, इस रिलेशन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एयर कंटेंट की वैल्यू गिवन हो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कर सकते हो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू गिवन हो एयर कंटेंट फाइंड कर सकते हो क्योंकि इन दोनों का सम इक्वल टू वन होगा इन दोनों का सम इक्वल टू वन होगा क्योंकि ये दोनों ही वाइड्स के टर्म में वाटर और एयर की वैल्यू बता रहे होते हैं तो दोनों को कंबाइंड करने से भी वाइड्स की वॉल्यूम आएगी सो दैट रिलेशन कम्स एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वन सो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी था एयर कंटेंट चलिए सिमिलरली इसके जैसे एक और प्रॉपर्टी है परसेंटेज एयर वॉइड तो देखते हैं ये क्या है परसेंटेज एयर वॉइड सिक्स प्रॉपर्टी परसेंटेज एयर वॉइड सो वॉट इज so, दिस परसेंटेज एयर वॉइड्स विल we'll सी हियर सो so, बहुत ही ध्यान रखना है इन थ्योरीज का हमें काफी सारे क्वेश्चन यहां से पूछेंगे दिक्स प्रॉपर्टी इज परसेंटेज एयर वर्ड परसेंटेज एयर वॉइड्स इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा सब्सक्रिप्ट एसी ईटा सब्सक्रिप्ट एसी चलिए परसेंटेज एयर वॉइड्स है क्या एक्चुअल में डिफाइन करते हैं पहले सो परसेंटेज एयर वर्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या बोला मैंने रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो पहले लिख लो इस बात को सो इट इज रेशियो ऑफ इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सो so, ये इनका रेशियो है तो फर्दर इसमें कैसे लिखेंगे ईटा ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सो दैट इज वी ए डिवाइडेड बाय वी चलिए ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया अभी इसका देखते हैं लिमिट क्या हो सकता है इसकी लिमिट क्या हो सकती है सो विल सी चलिए इटा ए की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या चेक करेंगे ईटा ए की वैल्यू जीरो ईटा इक्वल टू जीरो का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू जीरो बिल्कुल पॉसिबल है फुली सैचुरेटेड कंडीशन के लिए सो so ये करेक्ट है सेकेंड आपका है ईटा ए कैन बी इक्वल टू वन वन हो सकता है क्या वन होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इट पॉसिबल नो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो कुछ होगा so, हो so, so, ही सो वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लेस होगा वॉल्यूम ऑफ नहीं हो सकता तो ग्रेटर भी नहीं है वैल्यू so, क्या होगी जीरो या फिर इससे ग्रेटर बट लेस वन वन के इक्वल नहीं होगी वन से लेस होगी सो परसेंटेज एयर परसेंटेज एयर वॉइड चलिए तो ये हमारा प्रॉपर्टी था इस परसेंटेज एयर और पोरोसिटी के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है ये परसेंटेज एयर वाइड और पोरोसिटी के बीच में एक जबरदस्त रिलेशन है वो क्या है अभी हम लोग देखते हैं बहुत ही खास टर्म है ये चलिए ईटा को हमने क्या लिखा था वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्वाइन इसे क्या करो ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वॉल्यूम ऑफ वाइड से मल्टीप्लाई करो सो so, दोनों को वॉल्यूम ऑफ वर्ड से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो कट के वन ही आना है तो फाइनल सेम वैल्यू रहेगा अब क्या करते हैं इनको थोड़ा रीअरेंज करते हैं इन्हें थोड़ा करते हैं और रीअरेंज करके क्या करेंगे और वॉल्यूम ऑफ और वॉल्यूम ऑफ सॉइल को एक साथ ले आओ सो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या होता है अभी हमने पढ़ा है जस्ट इससे पहले वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट सो वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये इटा ए इक्वल टू मैंने लिख रहा है तो इटा ए इज इक्वल टू ये टर्म हमारा क्या है एयर कंटेंट और ये टर्म हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल porosity दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ एयर कंटेंट एंड porosity इज नोन एज परसेंटेज एयर वॉइड Is known as percentage important relation है, बहुत 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 है, सारे सारे से से पूछे जाते बहुत सारे questions यहां से पूछे जाते जाते हैं, हैं। तो ध्यान रखना आपको सो दिस इज सिक्स प्रॉपर्टी दैट परसेंटेज एयर वर्ल्ड प्रॉपर्टी था परसेंटेज एयर वर्ल्ड का सो so क्वेश्चंस काफी सारे यहाँ से पूछे जाते रहते हैं सो so हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा चलिए

सो so, इसके लिए अगर आपने सिर्फ यूनिट वेट या डेंसिटी दो में से कोई भी एक पढ़ा मतलब मतलब आपको दोनों मालूम है देखते हैं किस तरीके से उसे रिलेट करेंगे इंटर रिलेशनशिप मालूम होना बहुत जरूरी है सोयल मैकेनिक्स में क्योंकि इंटर रिलेशनशिप मालूम नहीं है तो आगे के कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्योंकि सारे जगह पे ये टर्म्स इनके बीच के इंटर रिलेशनशिप ही यूज होने वाले हैं आगे जितने भी टॉपिक्स हैं चलिए तो सेवन्थ मैंने आपको बोला यूनिट वेट और डेंसिटी चलिए पहले इनके बारे में बेसिक थोड़ा सा समझ लिया डेंसिटी रो से डिफाइन करते हो इसको आप क्या बोलते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम एम बाई वी सिमिलरली यूनिट वेट को आप क्या करते हो गामा से रिप्रेजेंट करते हो और क्या लिखते हो डब्ल्यू बाई वी दैट मीन्स वेट बाई वॉल्यूम सो so, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है है तो दोनों वॉल्यूम के साथ ही एक में सिर्फ मास कंसिडर कर रहे हो एक में वेट कंसिडर हो मास जो आपका है ये बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है ये चेंज नहीं करता है वेट जो है वो फोर्स है ठीक है वो फोर्स है ये चेंज करता है डिफरेंट प्लेसेस पे तो आपने किसी मैं यहां पे सिर्फ आपको यूनिट वेट के टर्म में रिलेट करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट वेट जैसे बल्क यूनिट वेट हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट हो गया तो जैसे मैं बल्क यूनिट वेट बोल रहा हूं जो फॉर्मुला सेम बल्क यूनिट डेंसिटी के लिए भी हो जाएगा बस रिप्लेस आपको क्या करना होगा जहां जहां मैं डब्ल्यू लिखूंगा वहां वहां पे आप परम लिख दोगे सो so, दोनों चीजें हमें सेपरेटली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसके लिए मैंने एक साथ लिखा यूनिट वेट एंड यूनिट डेंसिटी चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे सो so, फर्स्ट आपका जो आता है दैट इज बल्क यूनिट वेट सो बल्क यूनिट वेट का मतलब क्या होता है बल्क यूनिट वेट का मतलब क्या होता है देखते हैं सो so, इस सेवेंथ के डिफरेंट पार्ट है जिसमें फर्स्ट पार्ट ए मैं लिख रहा हूं बल्क यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट इसे गामा से रिप्रेजेंट करता हूं यूनिट वेट का रिप्रेजेंटेशन था वो एक्चुअल में बल्क यूनिट वेट ही होता है सो so, बल्क यूनिट वेट का मतलब होता है रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इट्स नेचुरल कंडीशन इन इट्स नेचुरल कंडीशन तो नेचुरल कंडीशन का मतलब क्या हुआ नेचुरल कंडीशन का मतलब क्या हुआ सॉइल जो अपने बेसिक नेचर में प्रेजेंट होता है बेसिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैसे मतलब एयर भी होगा वाटर भी होगा और सॉलिड्स भी होगा थ्री फेज रिलेशनशिप थ्री फेज डायग्राम में जो मैंने बोला था मैंने आपको क्या बोला था ये नॉर्मल कंडीशन है सॉइल का सो so, उसी नॉर्मल कंडीशन में जब आप वेट फाइंड करोगे देन इट इज बल्क यूनिट वेट देन इट इज बल्क यूनिट वेट ठीक है चलिए तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं वी कैन राइट सिंपली लाइक दिस गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी बस इतना ही जानना हमें इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही डेफिनेशन जानना है इसका डेफिनेशन यहां पर समझेंगे इसके इंटर रिलेशनशिप नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इसके इंटर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है इसके इंटर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है चलिए सेकंड टाइप मैंने आपको क्या बोला सेकंड मैंने आपको बोल दिया सैचुरेटेड यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है ये सैचुरेटेड यूनिट वेट रिप्रेजेंट करते हैं गामा सब्सक्रिप्ट सेट एस वेट पर वेट जो आपका होगा वो सैचुरेटेड वेट हो जाएगा वेट जो आपका होगा वो सैचुरेटेड वेट हो जाएगा चलिए तो देखते हैं सो so यहां पे हम लोग लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू सैचुरेटेड बाय वॉल्यूम डब्ल्यू सैचुरटेड बाई वॉल्यूम ऑल ए डिफरेंस सिमिलरली थर्ड टाइप अब देख लो थर्ड होता है से. तो ये क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम इन इट्स ड्राई कंडीशन इन इट्स ड्राई कंडीशन तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे गामा डी इज इक्वल टू गामा डी इज इक्वल टू

ये सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है एक्चुअली में रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम इन सबमर्ज कंडीशन सबमर्ज कंडीशन का मतलब सॉइल के ऊपर आपका पूरा वाटर लाई कर रहा है मीन सॉइल जो आपका है वो इस वाटर लेवल के नीचे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है सो so मैंने बोल दिया कि ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है वाटर है इसके नीचे पूरा वाटर होगा सोइल आपका कहीं यहां पे प्रेजेंट है सोइल आपका कहीं यहां पे प्रेजेंट है तो इस सोइल पे जो वेट अप्लाई हो रहा होगा ना इस सोइल पे जो वेट अप्लाई हो रहा होगा इसे आप बोलते हो सबमर्ज यूनिट वेट और एक्चुअल में यहां पे कंडीशन लगता है बवंसी फोर्स का जब अंडर वाटर है ये बॉडी तो बवंसी फोर्स जिसे अपथ्रस्ट आप बोलते हो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा

यूनिट वेट ऑफ सॉलिड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इसे गामा एस से रिप्रेजेंट करते हो ध्यान रखना गामा सैचुरेटेड कंफ्यूज मत हो जाना के लिए एस एटी था गामा एस सॉलिड का है सो so, एक्चुअल में ये रेशियो है वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम। सो सॉलिड्स के सिर्फ वेट को जब आप कंसिडर करोगे तो ये आपका दे देगा गामा एस दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सो गामा एस कैन बी रिटर्न एज डब्ल्यू एस दैट मीनस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सो ये फाइव डिफरेंट यूनिट वेट फाइव डिफरेंट डेंसिटी भी हो जाएंगे बस रिप्लेस कर दो बल्क यूनिट यूनिट डेंसिटी सैचुरेटेड डेंसिटी जहां जहां W लिखा है वहां पे M लिख दो बाकी चीजें एज इट इज रह जाएंगी बाकी चीजें एज इट इज रह जाएंगी ठीक है तो ये आगे भी आपके कॉन्सेप्ट आप दोनों को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो आगे हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स में देखेंगे वहां पे आप देखना कहीं पे मैं कहीं पे मैं गामा यूज कर ले रहा हूँ कहीं पे रो यूज कर ले रहा हूं सो so इंटरचेंजेबल है ये इंटरचेंजेबल होता है आपके सॉइल के लिए ओके चलिए सो ये हमने डिफरेंट यूनिट वेट देखे ये हमने डिफरेंट यूनिट वेट देखे चलिए इन पांच यूनिट वेट्स में से आप मुझे ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी आउट ऑफ दीज फाइव मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी सो मैक्सिमम वैल्यू होगी गामा एस की गामा एस देन गामा सैचुरेटेड देन देन गामा गामा ड्राई एंड एट लास्ट इट विल बी गामा सबमर्ज्ड गामा सबमर्ज तो इस तरीके से इनके बीच का रिलेशन है मैक्सिमम इज गामा एस एंड मिनिमम इज गामा सबमर्ज सो ये आपका सेवेंथ प्रॉपर्टी था यूनिट वेट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल सी दैट इज ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी अ स्पेसिफिक ग्रेविटी सो देखते हैं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है वॉट इज दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी ये सारे प्रॉपर्टीज के बाद ना हम लोग इसके इंटर रिलेशनशिप को चेक करेंगे उस इंटर रिलेशनशिप से बहुत सारे फॉर्मुलेज फ्रेम होते हैं हमें उन फॉर्मुलेज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है सो एट्स पैरामीटर एट्थ प्रॉपर्टी इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल जी से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है व्हाट स्पेसिफिक so इसे डिफाइन करते ये जो सॉलिड्स और वाटर है ना एक्चुअली वो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है हमारे स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर ही होता है ठीक है तो ये जो स्टैंडर्ड फ्लूड और ये जो सॉलिड्स है दोनों की वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए सो so, अगर वन यूनिट वॉल्यूम ली हो आपने सॉलिड्स की तो वाटर की भी वन यूनिट ही वॉल्यूम होगी और तब इन दोनों के वेट को आप कंपेयर करोगे दैट विल गिव यू अ स्पेसिफिक ग्रेविटी सो यहां पर हम लोग मैंशन करेंगे इसके डेफिनेशन को सो दिस इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन वॉल्यूम किसी भी एक वॉल्यूम के इक्वल है टू वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूड टू वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूड वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूड ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सेम वॉल्यूम वॉल्यूम सेम होनी चाहिए तभी आप कंपेयर कर सकते हो सो so, इसे आप बोलते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी सो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम का मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो डिवाइडेड बाई वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूड वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूड ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सेम वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों की सेम होनी चाहिए हमारे केस में स्टैंडर्ड वाटर होता है इसके लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम सो दिस इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी चलिए एक खास बात एक्चुअल में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का यही फॉर्मूला पढ़ते भी हो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यही फॉर्मूला पढ़ते भी हो लेकिन सॉइल के टर्म में ना इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को लो हम लोग बोलते हैं जी एस जी एस दैट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स ये सिर्फ सॉलिड्स के वेट को कंपेयर कर रहा है सो so, इसे आप जी एस बोल देते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही है बट सॉलिड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिमिलरली एक आपका मास या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है सो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जी सब्सक्रिप्ट एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है जी एम इज इक्वल टू कोई खास चेंज नहीं है बस देख लो वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लू अगेन वाटर ही हमारा होगा. Volume, so, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया यह सिर्फ सॉइल के सॉलिड की है कंपेरिजन और ये पूरे सॉइल की कंपेरिजन है सो दिस इज जी एस सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस इज जी एम दैट इज मास बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी सो आउट ऑफ दिस जी एस एन जी एम विचवन विल बी ग्रेटर जीएस विल बी ग्रेटर दैन जी एम जी एस विल बी ग्रेटर दैन जी एम तो ये रिलेशन याद रखेंगे आप जी एस इज ग्रेटर दैन जी एम जी एस इज ग्रेटर दैन जी एम ये रिलेशन याद रखना है आपको ठीक है सो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर होती है मास या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी से मास या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी से चलिए इनके बीच का एक ऑर्टर देखते हैं जनरली जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप मेजर करते हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करोगे तो अगर मैं आपको किसी दूसरे टेंपरेचर पे फाइंड करने बोल दूं तो आप कैसे फाइंड करोगे दूसरे टेंपरेचर पे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जीएस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड टी डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब किसी दूसरे टेंपरेचर पर अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसे फाइंड करोगे जी एस ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू इन टू गा डब्ल्यू एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है तो आप इसे फाइंड कर सकते हो ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसे ध्यान रखना है किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी हो चलिए एक और बात स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिकॉइल तो ऑर्गेनिक तो तो कंटेंट है आप बोलोगे इनऑर्गेनिक कंटेंट है जैसे कि मिनरल्स हो गए तो आप बोलोगे इनऑर्गेनिक स्वाइल तो ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेंज होता है वो होता है वन टू टू मीनस एक और दो के बीच में वैल्यू करती है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करो इसकी रेंज होती है 2.62 2.9 2.62 2.9 पॉइंट तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं फिर इससे एक फाइनल डेरिवेशन क्या निकल के आ रहा है फाइनल कंक्लूजन वो देखेंगे सो अ स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑर्गेनिक सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑर्गेनिक सॉइल जो आपका होता है इट इज फाउंड टू बी अ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑर्गेनिक सॉइल इज फाउंड टू बी इन रेंज ऑफ इज फाउंड टू बी इन रेंज ऑफ वन टू टू और इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ

ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट अगर आपने किसी भी सॉइल में इंक्रीज करा दी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करेगी लेस हो जाएगी क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए वैल्यू वैल्यून टू टू है मिनरल कंटेंट अगर आपने इंक्रीज कराई दैट मीनस माइका ऐड कर दिया या फिर कोई भी दूसरे मिनरल्स ऐड कर दिए तो वैसे कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करती है तो ये नोट पॉइंट है नोट पॉइंट लिख लोगे आप इसके बाद लिखोगे मैं यहां पे मैंशन कर दे रहा हूं सो नोट पॉइंट So, with increase in organic content of soil, with increase in organic content of soil, with increase in organic content of soil, a specific gravity decreases, a specific gravity decreases. ये डिक्रीज करेगी ऑन द अदर हैंड अगर आप मिनरल कंटेंट इंक्रीज करोगे तो क्या होगा वेयर और फर्दर इसको लिख दो विथ इंक्रीज इन विथ इंक्रीज इन मिनरल कंटेंट विथ इंक्रीज इन मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल अस्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी अस्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस। इनक्रीजेस टर्म को हमें ध्यान रखना है वी हैव टू रिमेंबर दिस टर्म ठीक है तो ये आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहां पे कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट मेरे स्पेसिफिक ग्रेविटी का है ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का देखा चलिए सो दैट वॉज द एथ प्रॉपर्टी